वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विलेखा। सूरत शहर के नवागाम डिंडोली क्षेत्र में आज शक्ति सेना ट्रस्ट की पहली शाखा का उद्घाटन किया गया। शक्ति सेना ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम सोनवर और भारी भीड़ के साथ डिंडोली क्षेत्र में शक्ति सेना ट्रस्ट की एक शाखा खोली गई। शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीएम सोनवर और शक्ति सेना के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल डी पाटिल ने कहा कि शक्ति सेना अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहिए। मेघावटी चल रही सोहू से सोठी समस्या, बेरोजगारी के लिए लोग लड़ रहे हैं, गरीब कामकाजी महिलाओं और शोषित बच्चों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने आवाहित किया, शोषकों के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान किया गया। लोगों के लड़ने के लिए ऐसे लोगों को साथ की जरूरत है। इसमें शक्ति सेना गरीब मजदूरों के साथ उनके आवाज़ बनकर उठाएगी और दुश्मनों को जो उन्हें शोषित कर रहे हैं उन्हें भीतर करने का दृढ़ निश्चय ले लिया। पिछले बीच काम कर रहे लेकिन आज शक्ति सेना के लोगों के साथ और लोगों के लिए काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत यह होने वाला है, जिसमें शक्ति सेना को पूरे भारत के लिए पंजीकृत करवाया जा रहा है और कुछ समय में शक्ति सेना गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में फैलने वाली है। मध्य प्रदेश, बिहार राज्य में कई शाखाओं के साथ जहाँ जनसंख्या अधिक है फिर भी शक्ति सेना केवल लोगों की मदद के लिए खोली जाएगी। आगे जाकर यह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, ये वादा किया गया। जी मारु नाम सीएम सोनवाण है, शक्ति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज तमे जोई सको छो शक्ति सेना द्वारा प्रथम शाखा ओपनिंग करवामां आव्युं छे, जे शक्ति सेना पाछला 6 महीना थी वगर रजिस्टर्ड कार्यरत हती ने हवे रजिस्ट्रेशन करीने लोकोना प्रश्न दूर करीने हवे लोकोना वच्चे जईने शक्ति सेना लोकोना कामों माटे आजे आगळ आवीने शाखा ओपनिंग करी रही छे। शहेरमां क्यां क्यां आपणे शक्ति सेना समग्र भारतभर में रजिस्टर करवामां आवी छे अने समग्र भारतभर में शक्ति सेना पग पसारो थई रह्यो छे। जल्दी में जल्दी तमने जाणवा मळशे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार अंदर भी शक्ति सेना जल्द थी जल्द शाखाओं ओपनिंग करवामां आवशे। शक्ति सेना अन्याय अत्याचार की सामे लड़वा, भ्रष्टाचार की सामे लड़वा, जे अत्यारे हालनी परिस्थितिओ चाली रही छे देशभर अंदर बेरोजगारी, ए बेरोजगारी केवी रीतना वधी रही छे एना विषय पर लड़वा माटे कामगारोनुं शोषण करवामां आवे छे, महिलाओनुं शोषण करवामां आवे छे, नानकडी बाळकીઓને આતે છેડખાની થવામાં આવે છે અને જે સ્લમિંગ વિસ્તારમાં રહેતા હોય છે એવા બધા બાળકોને ઉપર કસે ના કસે શોષણ કરીને એ લોકોને શિક્ષાથી વંચિત કરવામાં આવે છે ને એ બધા એ લોકોના હક અધિકાર અપાવવા માટે શક્તિ સેના આજે મેદાનમાં ઉતરી છે અને સમગ્ર ભારતભરમાં શક્તિ સેના એ કાર્ય કરશે। शक्ति सेना एक सामाजिक अने सेवाभावी संगठन छे अने शक्ति सेना कसे ने कसे कोई राजनीतिक पार्टी हाथे अत्यार सुधी संकळायेली नथी अने ना ही कई चुनाव लड़वानी छे। ए तमारे जानकारी माटे कहेवा मांगू छूं कि शक्ति सेना फक्त ने फक्त सेवाभावी अने सामाजिक संस्था छे जेमां सर्वधर्म, सर्व जातिना अने सर्व समाजना लोको जोड़ायेला छे। समाज ने फक्त ने फक्त एटलो संदेशो आपवा मांगू छूं कि समाजना तमाम भारतीय, भारत में रहेवाड़ा तमाम समाजना जातिना लोकोने खाली एटलो संदेश आपवा मांगू छूं कि तमे ज्यां पण छो त्यां तमे जागृत थाओ, पोताना हक अधिकार माटे लड़वाना प्रयास करो, भ्रष्टाचारनी सामे अवाज उठाओ अने जेटला बने तेटला प्रयासो लोकोने न्याय अपावा माटे करे ए समाजने हुं मारा शक्ति सेना माध्यमथी एक मेसेज आपवा मांगू छूं। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे।